हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा हम करेंगे कि बाजार किस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किए थे। हमारा मानना था, दो बातें थी हमारी। पहली बात ये थी कि बाजार सेल ऑन राइज रहेंगे और बाजार ऊपरी लेवल पे नहीं टिकने चाहिए। ये तो बात हुई हमारी सही साबित। दूसरी बात थी कि भाई हमें बाजार माइनस में लग रहे थे। बाजार में ऊपरी लेवल से गिरावट तो अच्छी हुई, लेकिन बाजार माइनस में क्लोज नहीं हो पाए। इंट्राडे तो बैंक निफ्टी माइनस में गया था, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि हायर लेवल पर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही ख़त्म होगा और जैसे ही बायर की स्ट्रेंथ ख़त्म होगी, बाजार तुरंत नीचे आ जाएंगे। तो हमारा जो आउटलुक है मंथ एंड के लिए भी, और इवन जो पीरियड अभी बचा हुआ है इस महीने का भी, और इवन नेक्स्ट वीक के लिए भी, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो है अप साइड जो है कैप हो रखी है। अप साइड के पोटेंशियल काफ़ी कम है। और उसके बाद अब एक पॉजिटिव न्यूज़ जो तेजी करने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए, वो खबर आ रही है CPI के डेटा से। यानी कि जो इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है वो 4.75% पे आ गया है, जो कि पिछले 12 महीने का सबसे न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू पर आया है। अब ये जो था ये किससे घट कर आया, ये मई का डेटा इन्फ्लेशन का, जो अप्रैल के 4.83% से घट कर आया है। तो महंगाई दर घट कर आई, और जो RBI का जो टारगेट रेंज है वो 2 से 6% है, उसी के बीच में आई है। और सबसे खास बात ये कि जो डेटा एनालिसिस लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे उससे भी नीचे आई है। तो अब इस खबर को देख के तेजी वाले प्लेयर्स ये मान रहे हैं कि बाजार में एक बढ़िया भयंकर वाली तेजी कल होनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि भयंकर तेजी हो तो सकती है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगी। तो हमारा व्यू अभी भी, क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न बड़े प्लेयर्स के दिख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर माल ऑफलोड कर रहे हैं, और ऑफलोड जैसे ही समाप्त होगा बाजार नीचे की तरफ आ जाएंगे। यानी कि जो इंट्राडे बेसिस पे जो प्लेयर्स बाजार में माल खरीदते हैं वो शाम को बेचने के लिए आ जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी जो बाइंग आती है वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही, और एक फर्दर मूव नहीं आ रहा अपसाइड का। तो जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि इंडेक्स के लेवल पर अब जो एक सेलिंग प्रेशर है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि एक माइनर करेक्शन कम से कम ना हो जाए। तो एक बार बैकफुट पे आना जरूरी है। मुझे लगता है कि कल तो नहीं, बट इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते हम 23,000 का आंकड़ा भी तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है निफ्टी के बारे में। तो अभी भी इंट्राडे बेसिस पर हमने आज भी जिस तरीके से ट्रेड लिए वो सेल ऑन राइज ही लिए, और सिमिलर व्यू हमारा कल भी है। इंडेक्स मैनेजमेंट हालांकि भयंकर रूप से चल रही है। HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर तेजी में थे। क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, टाइटन जैसे शेयर्स कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही दमदार है, और इसका मेन रीज़न है कि स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी मजबूत है। लेकिन मुझे स्मॉल कैप इंडेक्स देख कर और उनकी जो शेयर्स की वैल्यूशंस देखकर थोड़ा सा अचरज होता है कि भाई ये वैल्यूशंस क्या लॉन्गर टाइम फ्रेम में सस्टेन हो सकती हैं। तो उसको देख के मुझे लगता है कि नहीं होंगी। बट देखिएगा, यूफोरिया बना हुआ है मिड कैप शेयर्स में, और भयंकर जो मनी है वो उसको चेज कर रही है। अब देखते हैं कि वहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी होगा सेल ऑफ होएगा, वो बिल्कुल ब्लड बाथ वाली सिचुएशन होगी। बहुत भयंकर तरीके से हमें लग रहा है कि इस साल के जो अंत वाला पोर्शन आएगा, लास्ट के 3 महीने, और वहाँ पर हमें लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप एक बहुत ज़्यादा बड़ा पेन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम FIs के डेटा को देखें तो FIs ने आज मामूली सी खरीदारी करी 426 करोड़ की। DIs ने मामूली सी खरीदारी करी 223.75 करोड़ की। मामूली इसलिए कह रहा हूँ इनके डेटा के हिसाब से, ठीक है जी, जो इनके डेटा होते हैं उसके हिसाब से। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फिर खरीदारी करी, और आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी करी, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑप्शंस की जो सेलिंग है वो FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर की, और इवन स्टॉक ऑप्शन में भी की। और इंडिया विक्स जो है आज घट कर आया है, और तकरीबन 2.6% घट गया। तो इसलिए आज आपने सुबह खुलते के साथ देखा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ गिरी, लेकिन साथ साथ इंडिया विक्स की वजह से भी गिरते नजर आए।
कोल इंडिया में एक अच्छी खासी तेजी हुई। पावर ग्रिड, आइसर मोटर जैसे शेयर्स में महिंद्रा, ब्रिटेनिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर्स कमजोर थे। अब अगर हम चार्ट की तरफ देखें तो देखिएगा निफ्टी का चार्ट इसी दरमियान फंसा हुआ है। अब यहाँ से बहुत सारे जो तेजी के प्लेयर्स वो कह रहे हैं कि ब्रेकआउट आना चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रेकआउट नहीं आएगा। बाजार में एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बाजार नीचे की तरफ रुख करेंगे और ये मैटर ऑफ टाइम है, देखते हैं कल होता है या परसों होता है। बट मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी है, तो जो सेकेंड हाफ है वो शायद एक सीवियर हो सकता है अगर फर्स्ट हाफ में कल निफ्टी में सेलिंग नहीं होती है। तो निफ्टी बैंक में फिर भी आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, बट वही रेजिस्टेंस के आसपास जाके फंस रहा है और हो सकता है कि एक बार 50-300, 50-500 तक जाने की भी चेष्टा करें, जो बजट वाले दिन के हाईज हैं उनकी तरफ। लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हम अभी भी निफ्टी बैंक में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में ही प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन के जो सेलर हैं निफ्टी के अंदर, वो पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा कोशिश हैं कि कहीं बाजार एकदम ना टूट जाए, तो पुट बेचने में जो है कोताही बरत रहे हैं। और जब बाजार ऊपर थे तो पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई, लेकिन बाजार जैसे ही दिन में क्रैक हुए तो पुट राइटर ने भी अपनी पोजीशंस हटा दी। भाई नहीं, बाजार टूट सकते हैं, उनका मन में इस तरीके ख्याल आते हैं जैसे बाजार में हल्की सी भी करेक्शन हो रही है। और सिमिलरली जब बैंक निफ्टी में गिरावट हुई तो पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ आ गए 0.922 पे। तो हालांकि एक न्यूट्रल रेशियोज़ हैं, दोनों साइड के मूव इस तरीके की रेशियोज़ में एक्सपेक्टेड रहते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो डेटा है वो भी, अगर हम इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो वहाँ पे 0% की मंथ ऑन बेसिस पे इन्फ्लेशन आई है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अगर पैमाने देखें तो वहाँ पर तकरीबन 225 की जो है, अभी एक घंटे पहले डाउ जोन्स पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी 100 है और इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो हो गई है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, क्वार्टरली और जो ईयर इन ईयर बेसिस पे भी देखें तो जो है वो घटकर आई है, जो उम्मीद है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन घट के आई है। तो वो भी डाउ जोन्स जैसे इंडेक्स के लिए काफ़ी मजबूत हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो तेज़ी हो रही है वो नेस्डेक के अंदर हो रही है, जो तकरीबन 0.25% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे थे। ऑप्शन ट्रेड में भी देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग आपको 23,500 पे दिखेगी, जहाँ पे 300,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 23,400 पे तकरीबन 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 23,300 पे 1,55,000, जो कि पुट साइड में 23,300 पे 1,79,000 काफ़ी अच्छा डेटा है। 23,300 पे दोनों पार्टी बराबर में खड़ी हैं। 23,200 के ऊपर एक अच्छी खासी सपोर्ट बनाते हुए पुट राइटर एग्रेसिवली पुट रख रहे हैं और 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो एक ब्रॉडर रेंज 23,500 से 23,000 की, नैरो रेंज में अगर हम बात करें तो 23,200 से लेके 23,350 के आसपास की जो है एक रेंज बनती है। आज के इस वीडियो के अंदर बस हम इतनी ही चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे हैं उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कंपनी के पोटेंशियल्स हैं उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूशंस रीजनेबल है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम से कम दिन अगर 100 शेयर ढूंढोगे तो 80-85% शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अनरीजनेबल वैल्यूशंस पर ट्रेड हो रहे हैं, और वही हमारा कोज ऑफ कंसर्न है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में ट्रेडिंग्स में तो रिटर्न सब बना सकते हो, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद वेल्थ बनाने से पहले वेल्थ डिस्ट्रॉय का जो है सामना करना पड़ सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें तो, क्योंकि वैल्यूएशन अनरीजनेबली हाई है। रीजनेबली आई नहीं, अनरीजनेबली आई है। कोई रीज़न नहीं है कि वो इतनी बड़ी वैल्यूएशंस पर वो ट्रेड कर रहे हैं, बट बात यह है कि लिक्विडिटी आ रही है, बाजार को चेज किया जा रहा है। बट ये जो लिक्विडिटी है कब थमेगी? जैसे ही लिक्विडिटी थमेगी तभी आप देखेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक बड़े फॉल्स भी आपको इसी साल के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।